नमस्कार दोस्तों, YouTube में आपका स्वागत है। ये हमारा स्केटर्स है, ये हम नए वीडियो लेके आ गए हैं जिसमें हम पैंट काटेंगे और नाप। ये हमारा पैंट है और ये हमारा नाप है। लंबाई है 32 इंच, कमर है 23 इंच, हिप है 24 इंच, ये मोहरी है 11 इंच। ये बच्चे का पैंट है, अब इसको हम काटने जा रहे हैं। एक कपड़ा है और इस कपड़े को हम उल्टा करके बिछा लेंगे। एक कपड़ा हम बिछा लिए हैं और इस यहाँ से हम थोड़ा सा सेप करेंगे। एक कमर है और हम छः, ये हमारा कमर के लिए 6.5 इंच है यहाँ, और यहाँ से 1 इंच 1 इंच हम मार्जिन के लिए 8.25 इंच है, और इसको हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से 0.5 इंच डाउन कर देंगे, डाउन से 6 इंच रखेंगे, जिससे हमारा हिप है 24 इंच। यहाँ से 1.5 इंच नीचे और यहाँ से 1.5 इंच आगे, टोटल आ गया 9 इंच। 1 इंच ऊपर छोड़ देंगे बेल्ट जो लगेगा हमारा, और यहाँ 32 इंच हमारा लंबा है। हम मोहरी फोल्ड करेंगे 2 इंच जो मार्जिन के, इसको हम बराबर मार्किंग इधर भी उठा लेंगे। ये हमारा हो गया, अब इसको हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से 10 इंच है, यहाँ भी 10 इंच रख लेंगे और बीच में सेंटर कर लेंगे 5 इंच। यहाँ हम सीधा कर लेंगे मार्किंग। देख लो, बीच सेंटर से 3.5 इंच इधर और 3.5 इंच उधर, 5.5 इंच हमारा टोटल हो गया, 11 इंच मोहरी हो गया। ये देखिए, ये 11.5 इंच यहाँ भी सीधा कर लेंगे। यहाँ भी हम बीच सेंटर का मार्किंग लगा लेंगे, यहाँ से हम सेप कर लेंगे और यहाँ भी सेप कर लेंगे। पॉकेट के लिए 2 इंच रखेंगे, ये पॉकेट के लिए हमारा 6.5 इंच है, ये पॉकेट हमारा 6 इंच है, कर लेंगे। अब इसको हम यहाँ से थोड़ा सेप कर लेंगे। अब हम इसको काट लेंगे। हमारा फ्रंट कट चुका है, अब हम बैक काटेंगे। एक पॉकेट का कट लगा रहे हैं तो हमारा पॉकेट बनेगा। फिर अब अगले वीडियो मिलेंगे तो बैक काटने। अभी हमारा बैक है, बैक से हम 1.5 इंच इधर रखेंगे और यहाँ से 2 इंच, और उसको हम काट लेंगे वहाँ से मार्किंग से भी काट लेंगे पल्ला बराबर। हमारे दोनों पल्ला बराबर कट चुका है। अब ये 1.5 इंच जो मार्जिन लगाए हैं ना, यहाँ पे हम फ्रंट उठा कर रख देंगे, और यहाँ 2 इंच लगा है यहाँ भी रख देंगे, और इसको हम बराबर करके यहाँ से बैक के लिए ऊपर मार्जिन करेंगे।
ये हमारा बैक कट चुका। ये बैक कट चुका है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए हर वीडियो का आप लोग। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है आपका वीडियो।